शैतान वजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन हम किसे कहते हैं? वो फिनोमिनन, वो नेचुरल प्रोसेस के जिसके थ्रू हमारे बॉडी अपनी वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करता है, उस नेचुरल प्रोसेस या उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, वो नेचुरल प्रोसेस, वो फिनोमिनन जिसके थ्रू हमारे बॉडी अपनी वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करता है, उस फेनोमिनन या उस नेचुरल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द फेनोमिनन ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी to the outside environment is known as excretion. ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस जिसके दौरान हमारी बॉडी अपनी वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करता है एनवायरनमेंट के अंदर, उस नेचुरल प्रोसेस या उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इसी तरह जो है वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो है कुछ साल्ट्स वगैरह भी एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स को जो है हम अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं थ्रू लंग्स। और इसी तरह जो है कुछ पानी और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो है हम रिमूव करते हैं अपने बॉडी से बाहर थ्रू किडनी। और इसी तरह बास अमाउंट ऑफ वाटर को और कुछ साल्ट को जो है हम रिमूव करते हैं अपने स्किन के थ्रू, किसकी शक्ल में? स्वेट की शक्ल में। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स जो है एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह जो है हमारे बॉडी के अंदर कुछ साल्ट एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स को जो है लंग्स के थ्रू बाहर रिमूव करता है। इसी तरह कुछ वाटर और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो है वो किडनी के थ्रू बाहर रिमूव करता है। और इसी तरह कुछ वाटर और साल्ट को जो है वो स्किन के थ्रू बाहर रिमूव करता है, किसकी शक्ल में? स्वेट की शक्ल में। तो ये था कि एक्सक्रीशन क्या है और हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं और उनकी एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो है एक खास सिस्टम हुआ करता है कि जिसका काम है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो खास सिस्टम मौजूद है फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस, उस खास सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। द सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ excretion of waste is known as excretory system. हमारे बॉडी की जो excretory system है वो basically किस चीज पर मुश्तमिल है? किडनीज से वो मिलकर बना है। इसी तरह किडनीज के साथ एसोसिएटेड ट्यूब से मिलकर बना है। उन एसोसिएटेड ट्यूब में से एक का नाम है यूरेटर, दूसरा हमारे पास है यूरिनरी ब्लडर और तीसरा हमारे पास है यूरिथ्रा। ठीक है, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली किडनी से, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से मिलकर बना हुआ है। किडनी जो है एक बीन शेप ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन में पाया जाता है। ठीक है,
किडनी इज अ बीन शेप, किडनी जो है लोबिए की शेप का जो है एक ऑर्गन हुआ करता है जो हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। और ये किडनी जो है इनकी तादाद जो है दो है, इनमें से एक जो है वर्टिब्रल कॉलम की जो है राइट साइड की जानी पाया जाता है और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम की लेफ्ट साइड की जानी पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो आपने जहन में रखना है कि किडनी इज अ बीन शेप एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, इसकी तादाद है दो, इनमें से एक जो है वर्टिब्रल कॉलम के राइट साइड की जानी पाया जाता है और इनमें से दूसरा जो है वर्टिब्रल कॉलम की लेफ्ट साइड के जानी पाया जाता है। इसी तरह अगर हम किडनी के लेंथ को देखें तो किडनी की जो लेंथ है वो किस चीज़ के बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी विड्थ जो है 6 सेंटीमीटर के बराबर है और इसी तरह इसकी थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, किडनी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ जो है 6 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस जो है, मोटापन जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। एक और चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन में ऐड करूँ वो ये कि राइट किडनी जो है ये थोड़ा ऊपर है लेफ्ट किडनी के बनिस्बत और इसकी ये जो है 1.52 सेंटीमीटर जो है ऊपर है किसकी बनिस्बत, जो है लेफ्ट किडनी के बनिस्बत। तो आपने जेन में रखना है कि हमारे जो राइट किडनी है वो थोड़ा जो है ऊपर है लेफ्ट किडनी के बनिस्बत और वो कितना ऊपर है जो है 1.5 to 2 सेंटीमीटर जो है। इसी तरह अगर हम देखें हमारे किडनी के अंदर जो है यूरिन फॉर्म होता है और उस यूरिन के अंदर जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं और इसके अंदर एक्सेस वाटर भी होता है। तो जब हमारे किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म हो जाए तो वो यूरिन जो है किडनी से निकल कर जो है एक ट्यूब के अंदर आता है और वो ट्यूब जो है किडनी के साथ अटैच है। तो वो लंबा ट्यूब जो किडनी के साथ अटैच है, जो किडनी से जो है यूरिन ले लेता है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूरिटर कहते हैं। यूरिटर आगे आकर जो है ये एक सेक लाइक थैलेनुमा एक स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट है, कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, तो किडनी के अंदर जब यूरिन फॉर्म हो जाए तो वो यूरिन किडनी से निकल कर इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर आता है जिसे हम कहते हैं यूरिटर। फिर यूरिटर से वो होकर जो है कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर। यूरिनरी ब्लडर में जो है यूरिन को कुछ देर के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि सारी यूरिन जो है एक्यूमुलेट हो जाए। इसी तरह अगर हम देखें यूरिनरी ब्लडर के साथ जो है एक ट्यूब जो है अटैच है, इस ट्यूब का नाम क्या है, यूरिथ्रा है। तो जब यूरिनरी ब्लडर के अंदर जो है यूरिन भर जाए, ये यूरिन से फिल हो जाए तो होगा क्या कि यूरिन जो है यूरिनरी ब्लडर से निकल कर वो किसके अंदर आएगा, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के थ्रू जो है यूरिन हमारे बॉडी से जो है बाहर रिमूव हो जाएगा। तो आपने जेन में रखना है जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 4 मेन ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल है, 2 किडनी से वो मिलकर बना है, किडनी के साथ अटैच यूरिटर, यूरिनरी ब्लडर और यूरिथ्रा। यूरिन किडनी के अंदर बनता है, फिर वो यूरिन जो है यूरिथ्रा में आता है, यूरिथ्रा उसको ले आता है यूरिनरी ब्लडर के अंदर जहां उसको स्टोर किया जाता है कुछ देर के लिए और उसके बाद जो है आखिर में यूरिन जो है यूरिथ्रा में एंटर होकर हमारे बॉडी से बाहर रिमूव होता है। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।